अस्सलाम वालेकुम, मैं YouTube चैनल में खुश आमदीद। आज हम लोग आपको हाथ के प्लेट के साथ लहंगा स्टिच करने का आइडिया देंगे कि किस तरह आप हाथ वाली प्लेट डाल के बहुत ज़्यादा घेर के साथ लहंगा तैयार कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको, ये हमारे पास फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक में हम बना रहे हैं। हमने बेल्ट तैयार किया। बेल्ट की जो हमारे पास वर्थ है तकरीबन 1.5 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 24 इंच। आप अपने साइज़ के हिसाब से लहंगे का घेर बेल्ट उसी हिसाब से आप रख सकते हो। मैं बेबी लहंगा तैयार कर रही हूँ, इसी हिसाब से मेरी जो लेंथ है तकरीबन लहंगे की मुझे तैयार चाहिए 32 इंच, और मैंने जो फैब्रिक लिया उसकी लेंथ मैंने 31 रखी है। 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है, तकरीबन 2 इंच इसमें से बेल्ट आ जाएगा ऊपर। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले प्लेट्स डालेंगे। सबसे ऊपर तकरीबन 5 इंच के करीब हम प्लेट्स डाल रहे हैं। 5 इंच का दोनों तरफ से आप पकड़ेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, और तकरीबन 1/2 इंच के करीब आप इसको इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी फैब्रिक है जिस पे हम बना रहे हैं लहंगा और इसका घेर हमारे पास 5 गज, अब वो 24 भी हमने उसको पूरा भी करना है। इसी हिसाब से हम इसको 5 इंच पर हमने इसको उठाया है प्लेट्स, और 1/2 इंच का हमने इसका प्लेट रखा है। जो हम साथ स्टिच करेंगे वो 1/2 इंच पे हम रख रहे हैं सिलाई। जो भी हाथ वाला प्लेट डालें, जब भी उनको जब प्लेट का कपड़ा उठाते हैं तो दोनों हाथों से उठाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट्स डालेगी आपकी। इस तरीके से एक के बाद एक आप प्लेट्स रखते जाएं, और अपना पूरा घेर जो है तकरीबन हमने 24 इंच हमारा बेल्ट है तो इतना ही हमें तैयार घेर चाहिए। ऊपर हमने बेल्ट लगाना है तो हमारा जो तैयार चुनट वाला कपड़ा हो उसके लिए 24 इंच हो। इसी तरीके बाद एक के बाद आप एक प्लेट रखते जाएं, और अपना पूरा जो जितना भी घेर है 24 पे आप इसको पूरा करें। ये लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा बचा था तो हमने इसमें तकरीबन कम कपड़ा लास्ट में लिया है, तो ये इसको लास्ट हमने एंड कर दिया इसका। अब इसकी मेजरमेंट करके बताते हैं कि ये कितना हो रहा है हमारे पास। ये पूरे प्लेट्स हमारे 1/2 इंच पे आ रहे हैं। ये तकरीबन जो तैयार है हमारे पास वो हो रहा है 23 और 24, और ये हमारे पास सिलाई का कपड़ा है। ठीक है, अब हम तो इन दोनों को नीचे से इसकी फिटिंग कर लेते हैं, साइड से बंद कर देते हैं इसको। तकरीबन 5 से 6 इंच के करीब हमने इसको कपड़ा छोड़ा है नीचे से, क्योंकि हमने इसके ऊपर बुकरम लगानी है, बेल लगेगी, और हमने बाकी स्टिच कर दिया। अब 5 इंच पे छोड़ के हम इसको जिप के लिए हम थोड़ा सा इसको सिलाई को यहाँ से पक्का करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने जो बाकी ऊपर फैब्रिक बचा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको फोल्ड करना है जहाँ पे हमने हमारे प्लेट्स थे जगह पे जो सिलाई का कपड़ा छोड़ा था, हम उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम लहंगा बता रहे हैं किस तरीके से आप अच्छा से लहंगा तैयार कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हमारी ने फोल्ड कर लिया। अब इसको खोल के एक साइड इसके नीचे रखे जो हमने सिलाई की लगाई थी, सेम उसी सिलाई पे अब दूसरी सिलाई लगा दी। और दूसरी तरफ भी इसी तरह आप जिप पे सिलाई लगा दी। बाकी अंदर से आप एक्स्ट्रा जिप काट दें, ऊपर वाला हिस्सा भी हमने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा काट दिया। अब ये हमारे पास जो हमारा चुनट वाला हिस्सा है वो तैयार है, साइड पे हमारी सिप भी लग चुकी है, और ये हमारे बेल्ट जो तैयार किया था 24 पे अपने इसको डबल फोल्ड कर लिया। फैब्रिक हमारा डबल है और बुकरम हमारी सिंगल है। अब साइडों से हम इसको सिलाई लगा देते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारे एक साइड से सिलाई का रखा था उसको अंदर फोल्ड करके स्टिच कर लें, तो स्ट्रेट सिलाई लगा लें। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर साइडों से आप सिलाई लगा लें।
दोनों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लिया। अब इसके कॉर्नर जो है वो अच्छे से बना ले। हमने इसको सीधा कर दिया। ये देखिए बेल्ट हमारा कुछ इस तरीके से तैयार होगा। अब हम बेल्ट को लगाए साथ अटैच करेंगे। नॉर्मल जैसे बैन लगता है उसी तरीके से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जो हम एक्स्ट्रा हाफ इंच हमने कपड़ा छोड़ा था उसको साथ रख के प्लेट्स के साथ आप स्टिच करते जाएं और साथ बेल्ट को सीधा करते जाएं। बेल्ट हमने अंदर की तरफ से रखा है। उल्टी साइड पे हम बेल्ट रख के सिलाई कर लगा रहे हैं। तरीके से हमने सीधी सिलाई लगा ली। देखिए हमारा थोड़ा सा जो बेल्ट था हमने एक्स्ट्रा रखा था वो हमने, वो ऑप्शनल है कि अगर किसी को फिटिंग कम ज़्यादा हो तो आप इसको एक्स्ट्रा बेल्ट रख दें ताकि हुक लगाने में भी आसानी हो। चाहे तो आप इसको अंदर इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल बैलेंस भी कर सकते हो। अब इसको बाहर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया। जो भी हमारी सिलाई वगैरह थी, चुनट थी, वो सारी हमारी बेल्ट के अंदर आ गई है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट लग गया। साथ साथ सीधा करते जाए इसको सिलाई लगा लें ऊपर एक। ये हमारा बेल्ट लग चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जिप, ये हमारा साइड का बेल्ट। ये बेल हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस इस तरीके से। फोल्ड करके अब इसके ऊपर सिलाई लगा दें। क्योंकि ये जो बेल्ट है हमने, हमारी चोली छोटी है और बेल्ट हमारा ऊपर आएगा, तो इसलिए हमने इसको बेल्ट के ऊपर भी लैस लगाई है थोड़ा सा इसको फैंसी लुक देने के लिए। देखिए हमारा बेल्ट लग चुका है। अब इसके इस जगह पे हम इसके हुक लगा देंगे। अब हमने इसके नीचे जो दामन पे हमने इसके लेडीज़ बुक हम लिए 4 इंच हमारी फर्म की जो विड्थ है, लेंथ तो 5 गज ही होगी क्योंकि हमारे जो फैब्रिक है वो 5 गज है, तो उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे। तकरीबन 1.5 इंच की हमारी बेल है तो उसी हिसाब से हमने इसकी बुकरम पट्टी रखी है। अब इसको हमने इस तरीके से साथ अटैच कर लिया। हम जो एक्स्ट्रा कपड़े पर हमने इसको साथ अटैच किया, उल्टी साइड पर हम इसको रख रहे हैं और इसके नीचे वाले हिस्से पर हम सिलाई लगा रहे हैं। लहंगे का जो हमारा फैब्रिक है उसकी अंदर वाली साइड पर हम इसको रख के सिलाई लगा रहे हैं और हम इसको फोल्ड बाहर की तरफ करेंगे। सीधी साइड पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारी कुछ इस तरीके की लुक आएगी इसकी। हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा लहंगे में मतलब जैसे फूला फूला होता है वो चीज़ आ जाएगी। घेर जो इसका नमाया होगा हमने जो बुकरम लगाई है इसकी वजह से कड़कपन आ जाता है इसमें लहंगे के में। अब इसके ऊपर हम ये बेल रख के लगा सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आप पूरे लहंगे पे बेल लगा लें। बुकरम के ऊपर पर जब हमने सिलाई लगाई थी सारी सिलाई भी चुप जाएगी हमारी बेल ने से, क्योंकि ये लुक आएगी हमारे लहंगे के नीचे घेर की। ये हमारा फाइनल लहंगा देखिए इसकी कुछ इस तरीके की लुक आ रही है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।